अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सुनन साहब, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट अभी है, आप खुद भी इसका जिक्र जैसे आपने कर दिया है कि ये एक साजिश है, तो क्या एजुकेशन सिस्टम को इस साजिश का शिकार बनाया जा रहा है ताकि भारत के जो गरीब बच्चे हैं खासकर वो पढ़ाई ही ना कर पाएँ, वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर सर्व शिक्षा अभियान का क्या होगा, फिर जो तमाम योजनाएं एजुकेशन के लिए चल रही हैं उन योजनाओं का क्या औचित्य है आज के दौर में? देखिए, मैंने कल प्रधानमंत्री जी का भी मतलब स्टेटमेंट देखा कि मैं नवंबर तक यानी दिवाली और छठ पूजा तक आपको राशन दूंगा। यह राशन की बात नहीं है, राशन से भूखा मरने वाला आदमी नहीं है, राशन से काम चलने वाला नहीं है। हम यहाँ पर जो समाज है उस समाज को राशन के लिए लाचार होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। अगर राशन के लिए लाचार, मुझे बताइए ना मृतकों की संख्या क्या है। मेरे वार्ड में यहाँ पर पूरे लॉकडाउन के समय में 26 लोग ऐसे ही जिनको दवाई नहीं मिली, जिनको हॉस्पिटल नहीं मिला, जिसको एम्बुलेंस नहीं मिला, उसके कारण वो मर गए। लेकिन सिर्फ 2 लोग इससे मर गए कोरोना से, और जो मेरे बार से 50 लोग गए वो 3 दिन में 4 दिन में 6 दिन में ठीक हो गए, वापस आ गए। तो मुझे बताइए, सरकार को इतने सारे लोगों को घर में बांध के रखना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जो कंपनियां चल रही है, कंपनी में लोग जा रहे बहुत खुशी है इसलिए नहीं जा रहे? मुझे बताओ ना, अगर बहुत खुशी है तो जो सरकारी बाबू यहाँ पर लाखों रुपए पगार ले रहे हैं वो अपने दफ्तर में रोज क्यों नहीं जाता है? मैं जो कहता हूँ, जो निजी झोपड़पट्टी में रहने वाला, निजी कंपनी में काम करने वाला आदमी जिस दिन स्कूल कंपनी में जाएगा उस दिन की तनख्वाह उसे मिलेगी, इसलिए वो जा रहे, ना कि उसको महीने की तनख्वाह मिलेगी तो वो भी नहीं जाएगा। मुझे बताए, सारे सरकारी कार्यालय जो है वो 100% चालू करो और उनको चालू करो, फिर पता चलेगा कि आप, अरे आपको तो सरकार का पूरा सपोर्ट है, पूरा पैसा मिल रहा है, और हमको बोल रहे हैं कि आप अंदर बैठो अंदर बैठो, ये साजिश नहीं तो क्या है?